हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड फन। आई एम डॉक्टर एनीमोन विद माय सेकंड वीडियो ऑन मोशन। बच्चों, आप क्या जानते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट मोशन का किसने दिया था? सबसे पहले मोशन का कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था, और गैलीलियो ने ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ और टाइम के आधार पर इसको समझा, एंड लेटर ऑन टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के आधार पर मोशन को समझाया था। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आपसे टू केसेस पूछती हूँ, प्लीज इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इफ टू ट्रेन्स T1 एंड T2 आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये बताना है ए जो पैसेंजर T1 में बैठे हुए हैं उनके लिए पैसेंजर बी T2 में बैठे हुए पैसेंजर बी की वेलोसिटी क्या होगी, क्या वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, विद विच वेलोसिटी बी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए। सेकेंड केस ये है, इफ T1 एंड T2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है पैसेंजर ए के लिए पैसेंजर बी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विद विच वेलोसिटी बी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मोशन होता है, जनरली अगर आप मान लीजिए फ्लाइंग काइट की बात कर रहे हैं या एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, उस केस में हम बात करते हैं कि ये 3 डायमेंशनल मोशन है। कहने का मतलब हमारे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है तीनों में परिवर्तन आ रहा है। इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट और एन एरोप्लेन, तो हम 3 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, इन विच वी ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड चेंज, यानी पोजिशन जो हमारी चेंज बॉडी की है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग चेंज हो रही। अगर हम बात करते हैं एन इंसेक्ट मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ डेस्क, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन, जहाँ सिर्फ मान लीजिए सिर्फ आपके 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड ही आपका चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोजिशन बॉडी की चेंज हो रही। लेकिन वेलोसिटी ये जो मोशन है उसको आराम से आसानी से समझने के लिए और डे टू डे लाइफ की कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम मोशन को लेते हैं 1 डायमेंशन। कहने का मतलब जहाँ पे सिर्फ आपका एक कोऑर्डिनेट, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या जेड हो, सिर्फ इन्हीं एक किसी एक में ही परिवर्तन आता है, यानी पोजीशन जो है बॉडी की वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के अलावा चेंज होती है, इसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम यूजुअली पहले इस स्टेज में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब बॉडी अगर 5 मीटर मूव कर रही है, टाइम लेती है 2 सेकेंड्स, एवरी 5 मीटर वो मूव कर रही है 2 सेकेंड्स में ही, तो इसी पेस वो बनाए रखती है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बट इन डे टू डे लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल, कारण ये कि मान लीजिए अभी बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, थोड़ी देर बाद ही आके उसको ट्रैफिक जाम मिल रहा है तो उसको अपना स्पीड कम करना पड़ रहा है। तो अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता। या मान लीजिए अभी कोई कार है, अभी मूव कर रही है वाइड रोड पे और थोड़ी देर के बाद उसको रोड चेंज करना कहे, किसी नैरो रोड पे जाना पड़ रहा है, सो अगेन इट कैन नॉट मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। सो इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको कहते हैं जहाँ पे बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में मूव कर रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन वी हैव यूनिफॉर्म मोशन वी कैन टॉक अबाउट स्पीड, बट वी इन रियलिटी वी नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दैट केस वी डोंट मेक यूज ऑफ वर्ड स्पीड बट एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर आप मान लीजिए फॉर टाइम T1 द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज D1, फॉर टाइम T2 द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज D2, फॉर T3 इट इज D3, सो इन दैट केस द एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस D3। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, वी नो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड प्लस डायरेक्शन। इन केस we have a variable speed, that means if you have variable speed then you have average variable velocity as well।
In that case, that means the motion is not uniform. Equal distance is equal time. Time पे नहीं travel किया गया है. उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं. एवरेज स्पीड ही है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है बॉडी, तो एवरेज वेलोसिटी कहा जाएगा उस केस में. तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसको भी ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से एवरेज स्पीड को, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. बट वी नो व्हेन इन केस ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म मोशन, जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की. लेकिन अगर आपका बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, लेकिन इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, फाइनल जब वो स्पीड, जब वो रुक जाती है बॉडी, तो उस समय कुछ और वेलोसिटी है जिस जिस समय वो रुकती है, तो उसके और बीच में जो इस एंड टू एंड के बीच में जो भी आपका जो मोशन हुआ है वो यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. उस केस में हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, बट दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू. इनिशियल वेलोसिटी हम जनरली यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू. अंडरस्टैंडिंग एक्सेलरेशन. हम कोई बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं, हम क्या कहेंगे कि वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इट इज मे नॉट बी एक्सेलरेटिंग. अगर आप मान लीजिए इफ ए कार इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो एक्सेलरेट कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं कर रही है. अगर प्लेन मूव कर रहा है स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर से इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग एट ऑल. यानी कि बहुत हाई स्पीड से भी जा रहा है लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड है, या एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो वो हमारा एक्सेलरेशन नहीं है. अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है. वेलोसिटी जो होता है, अगर आप अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्केल और क्वांटिटी लें, तो हम जानते हैं हम स्पीड की बात करते हैं. अगर उसी स्पीड को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, तो हम बात करते हैं वेलोसिटी की. तो अब हमारा जो वेलोसिटी है, इसलिए स्पीड और डायरेक्शन दोनों का मिश्रण है. सो अगर इनमें से किसी भी पैरामीटर, चाहे स्पीड आपका चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो उस केस में आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. नाउ व्हाट एक्चुअली एक्सेलरेशन इज. अभी जैसे मैंने बात किया, इसको समझने के लिए ये ध्यान रखिए कि हमारा जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है. जैसे मान लीजिए अभी कोई बॉडी रेस्ट पे है और वो कुछ डिस्टेंस 20 किलोमीटर मूव कर रही है इन टाइम 5 सेकेंड्स, दैट मीन्स द वेलोसिटी इनिशियली तो रेस्ट पे थी. नाउ आफ्टर सम टाइम 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी इज नाउ 4 किलोमीटर पर सेकेंड. अब इस केस में जो है स्पीड चेंज हुआ है, सो वी कैन से दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. स्पीड चेंज, एक्सेलरेट हो रहा है. दूसरे केस में मान लीजिए स्पीड आपकी सेम है, स्ट्रेट लाइन से बॉडी जा रही है तो 30 किलोमीटर पर आवर से, देन इट टेक्स अ कर्व पाथ, अगेन द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, पर यहाँ पे आप देखते हैं कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है बॉडी की, फिर से स्ट्रेट लाइन पे से जा रही है, फिर 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बीच में इन्होंने आपका एक डायरेक्शन चेंज किया है. तो इस केस में हम ये कहेंगे दैट यस द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस टू स्लाइड्स हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है. इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. नाउ टेक एन एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट एंड मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, अब इसकी एक्सेलरेशन हम कैसे बताएंगे? क्योंकि इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे थी, तो हो गया उसका वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो उसे थोड़ी देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है फॉर 5 सेकेंड्स. तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ गया है. तो इस केस में हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब फाइनल वेलोसिटी क्या है आप जानते हो, 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, और इनिशियली जो बॉडी रेस्ट पे थी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड्स, तो वो आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
distance time graph for uniform motion. Uniform motion we know equal distances in equal intervals of time. यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ में सिर्फ भी हर एक दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हर एक दो पॉइंट्स के बीच में सेम ही है. अब हम बात करें इस केस में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी. मान लीजिए आपका यहाँ पे हम मैं ले रही हूँ एक इसको वेलोसिटी निकालने के लिए आई एम टेकिंग ट्रायंगल एबीसी. आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल जो है अगर हम एस टू माइनस एस वन के बीच का डिस्टेंस लें दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बी सी. और जो टाइम इंटरवल है उस समय वो है आपका टी टू माइनस टी वन. तो जो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ हमें क्या देगा दैट विल गिव अस द यानी वाई बाई एक्स पैरामीटर. वो हमें क्या देंगे वो हमें देंगे इसकी वेलोसिटी. और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू वाई पैरामीटर में जो चेंज है एस टू माइनस एस वन और एक्स अपॉन एक्स पैरामीटर में जो चेंज है एक्स कोऑर्डिनेट में आई मीन टू से दैट इज टी टू माइनस टी वन. हम जब कैलकुलेट करेंगे इस केस में तो आपका वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड है. इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी हमें मिली है 1 मीटर पर सेकेंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो हम देखते हैं कि हर एक पॉइंट के बीच में यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द टाइम इंटरवल. सो हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा. यू डोंट हैव इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो इस ग्राफ में दिखाया गया है. बी सी ओ टू ए डिस्टेंस थोड़ी सी ट्रैवल हुई है इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन ए से बी से डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हुई है उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, फिर से स्लो डाउन हुई है बॉडी. सो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ कमिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ आप देखिए ओ से ए की ओर बॉडी जो है का एक्सेलरेशन बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, चेंज होती जा रही है. ओ से ए की ओर देखिए तो बॉडी की एक्सचेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स और बढ़ती चली जा रही है. सो वी कैन से दैट इट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. लेकिन अगर आप ए से डी तक इस ग्राफ में जाएंगे तो ए से डी तक आप देख सकते हो इट्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. तो जब बॉडी जो है वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इन दैट केस इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, इट हैज जीरो एक्सेलरेशन. फिर आप आ जाइए डी से एफ की ओर, बॉडी की एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, 5 से F की ओर आ रही है तो 0 मीटर पर सेकेंड हो रही है. इसका मतलब बॉडी जो है एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इट इज़ हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन और इट इज़ वी कैन ऑल्सो से इट एज रिटार्डेशन, बॉडी रिटार्ड कर रही है. इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है एक और पैरामीटर हम निकाला जाता है, कभी कभी पूछा जा सकता है. क्या बताइए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए फ्रॉम ए टू डी या टाइम फ्रॉम बिटवीन द टाइम इंटरवल टी वन एंड टी टू वट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. उस केस में आप जानते हो जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन. तो डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम. अब इस केस में मान लीजिए हम ए से डी की बात कर रहे हैं यानी कि टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन की बात करें, उस केस में आप देख रहे हो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपका जो ए बी सी डी है ये आप देख सकते हो इट इज़ अ रेक्टेंगल. तो इस केस में इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देगा और तो डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेड भी कह सकते हैं. तो वो होगा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए टू डी और टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन, वो हो जाएगा आपका यहाँ से ए बी लेंथ इंटू हाइट दैट इज बी सी. तो वो आपके पास ए बी जो है ए बी आपका कितना है, ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इंटू बी सी जो है आपका वो 20 माइनस 10 है दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इस एरिया के अकॉर्डिंग वो है आपका 50 मीटर्स. तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी लूंगी. प्लीज़ प्लीज़ कमेंट लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा.
थैंक्स फॉर वॉचिंग.